नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेद मिश्रा क्लासेस में। आज हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शन। क्या सीखेंगे? लॉजिकल फंक्शन, और उसमें भी हम सीखेंगे बेसिक लॉजिकल फंक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक एक्सेल की शीट खोल रखी है। ये लॉजिकल फंक्शन की शीट है। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिकल फंक्शन होता क्या है। लॉजिकल फंक्शन जो होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाते हैं और उससे हम पूरे पूरे हम डाटा को सेव करते हैं। देखिए, लॉजिकल फंक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा, कैलकुलेट करना है हमें रिजल्ट को। रिजल्ट का ये देखिए, ये हमारे सामने शीट है। नेम दे रखे, मार्क्स दे रखे और रिजल्ट दे रखे। तो देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा कि हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है। अगर जो स्टूडेंट का जो एग्रीगेट टोटल जो अमाउंट है, टोटल जो स्कोर है, अगर 50 के बराबर होता है या 50 के ज्यादा होता है तो वहाँ पर क्या चाहिए, पास। और अदरवाइज यहाँ पर क्या लिखा है, फेल, अगर वो पास नहीं होता। देखिए, लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, इफ से काम होता है। क्या होता है? इफ से स्टार्टिंग होता है, यानी कि हम यदि, यदि अगर ऐसा होता है तो हमें ऐसा चाहिए। देखिए, अगर हम इफ फंक्शन की बात करें तो एक बार लगा के देखते हैं, इजगल टू इफ ब्रैकेट ओपन। देखिए, सबसे पहले क्या मांग रहा है, इजगल टू इफ, जैसे टाइप करेंगे ब्रैकेट ओपन तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लॉजिकल टेस्ट। क्या मांगेगा? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब कि क्या लॉजिक है, वैल्यू। इफ कॉमन डाल के देखिएगा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू जो लॉजिकल हम डालेंगे अगर ये ट्रू होता तो क्या चाहते हैं वहां पर, तो वो पूछता है। और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये जो वैल्यू, अगर लॉजिकल आप टेस्ट डालेंगे अगर वो ट्रू नहीं होता तो वहां पर आप क्या चाहते हैं, फॉल्स होने पर। तो ये है इफ फंक्शन का फंक्शन। तो चलिए, इसे प्रैक्टिकल करते ज्यादा समझ में आएगा। तो इज इक्वल टू इफ का मतलब होता है यदि, ब्रैकेट ओपन करते हैं। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट क्या है, अगर B2 मतलब B कॉलम के अंदर दूसरी रो यानी 95 नंबर अगर बड़ा होता है और बराबर होता है किससे, 50 नंबर से, तो ये हमारा क्या हुआ, लॉजिकल। क्या हुआ हमारा, एक लॉजिक। B2 के अंदर जो वैल्यू होगी अगर वो बड़ा होता है और बराबर होता है 50 के, तो हमें क्या चाहिए वहां पर, तो वहां पर क्या चाहिए, तो वहां पर देखिए, अल्फाबेट के साथ कोई भी अल्फाबेट हो उसके साथ क्या आएगा, डबल कॉमा आएगा ऊपर वाला ही वाला। और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, पास। क्या चाहिए, पास। क्या चाहिए, पास। अब देखिए, अगर 50 से तो पास चाहिए और अगर नहीं होता ऐसा तो क्या चाहिए, फेल। अल्फाबेट के साथ हमेशा कॉमा आएगा, फॉल्स, फेल, ठीक है ना। देखिए, अब ब्रैकेट क्लोज। देखिए, लॉजिकल हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए, ये हमारा लॉजिक था, इसका ये सही चाहिए। देखिए, ये आ गया हमारा पास। क्या गया, पास। देखिए, दोबारा हम क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली तो सारा का सारा अपने आप आ जाएगा। देखिए भाई, एक बार जजमेंट करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर 50 डालता हूँ क्या आएगा, पास। 49 डालूंगा क्या आएगा, फेल। 51 डालूंगा क्या आएगा, पास। इससे हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा एक और हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारी हमें एम्प्लॉइज आईडी दे रखी है, एम्प्लॉई आईडी दे रखी है, नेम दे रखी है, डिपार्टमेंट दे रखी है, उनकी सैलरी दे रखी है। देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ द कॉलम, जो फ्लैट का कॉलम है उसमें हमें क्या करना है, फिलअप करना है कुछ, किसके बेस पे, सैलरी के बेस पे, यानी जिसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है तो वहां पर हमें क्या दिखाना है, यस, तो उसको हम फ्लैट देना चाहते हैं, और जिसकी 30,000 से ऊपर कम सैलरी है, कम है, तो उसे क्या देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, 30,000 से ऊपर होगी सैलरी तो उसे क्या देना है, फ्लैट देना है, और अगर नहीं होता तो उसे नहीं मिलेगा। देखिए, इजिकल टू इफ, यदि लॉजिकल, अगर सैलरी ये रही, एम टू के अंदर जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन होती है, बराबर होती है 30,000 से, तो अगर ऐसा होता तो क्या चाहिए हमें, वहां पर चाहिए, यस। क्या चाहिए, यस। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो क्या चाहिए हमें, नो। क्या चाहिए, नो चाहिए। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए, ये लॉजिक हुआ हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम F2 से चेक भी कर सकते हैं। देखिए, M2 ग्रेटर देन एम बराबर होता है 30,000 से, ये रंगा। देखिए, हमने क्या किया, 3,000 डाला। देखिए, यहाँ पर क्या ना चाहिए, 30,000, तो हमें क्या चाहिए वहाँ पर, देखिए ये टू की वैल्यू, अगर ऐसा 30,000 से ऊपर होता बराबर होता तो क्या होगा, यस, और अदरवाइज क्या आएगा, नो। देखिए, अपने आप आया, इसको हम डाउन कर देंगे तो अपने आप सारा कुछ आ जाएगा। तो ये हमारा लॉजिकल फंक्शन।